अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने गोश्त को खिलाने के लिए पहले आपके लिए जो बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स बताई थी, तो आप उसके अंदर कच्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, सिरका, वाइट सिरका भी डाल सकते हैं और जो है कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें ना मौजूद हों, यानी हमारे पास कचरी पाउडर भी ना हो, हमारे पास वाइट सिरका भी ना हो यानी सफ़ेद सिरका भी ना हो, और हमारे पास पपीता भी ना हो। तो ऐसी चीज़ हमारे पास हर घर में तकरीबन अवेलेबल रहती है। लहसुन, गार्लिक जिसे कहते हैं, जो लहसुन की पोथी होती है, वो हर टाइम हमारे घर के अंदर मौजूद लाजमी होती है। तो आप ऐसा कीजिएगा, उसके जितने भी अगर आप छोटा गोश्त बना रहे हैं या बीफ का बना रहे हैं, इवन अगर कोई सा भी बना रहे हैं, चिकन तो वैसे ही जल्दी गल जाता है, तो ज़्यादातर मसला हमारे हमें छोटा गोश्त और बीफ के लिए ही होता है। तो आपने लहसुन की पोती लेकर उसकी सारी जो जवें हैं वो अलग कर लेने, उसके दरमियान वाली जो डंटल होता है, जो डंडियां होती हैं, वो आपने दो अदर डाल देनी है। तो इससे आपका जो गोश्त है बहुत ईजीली, बहुत आसानी के साथ गल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ गलेगा। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक छोटी सी जो है होम टिप, जो किचन टिप है, पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे जाते थे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।